गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन मीन्स किसी एक फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हम लोग अनदर फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप यूजिंग अनदर फ्लिप फ्लॉप और अदर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो रियलाइजेशन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप, किसी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डिज़ाइन करेंगे किसी अदर फ्लिप फ्लॉप से। तो जिस फ्लिप फ्लॉप को हमको डिज़ाइन करना है उसको सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, एक्स फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और जिस फ्लिप फ्लॉप से बनाना है उसको हम लोग क्या मानेंगे, वाई फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि हम लोग आराम से किसी भी फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी अदर फ्लिप फ्लॉप से। इस पर हम लोग बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक टेबल लगेगा और एक्साइटेशन टेबल का यूज़ होगा, जो हम पढ़ा चुके थे। सारे फ्लिप फ्लॉप में हम डिस्कस किए थे करेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल, तो उन दोनों का यूज़ हमको फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में ही होता है। तब हम लोग देखेंगे उस दोनों का यूज़ करके हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, किसी एक फ्लिप फ्लॉप से हम लोग दूसरा फ्लिप फ्लॉप कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो स्टेप्स देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्टेप्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट डाउन द PSNS टेबल और करेक्टरिस्टिक टेबल फॉर एक्स फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब हम लोग एक PSNS टेबल मीन्स होता है करेक्टरिस्टिक टेबल, सिंपल। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक टेबल हम लोग को पता है ही, तो जो फ्लिप फ्लॉप हमको डिज़ाइन करना है मीन्स हमको एक्स फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करना है, तो हम लोग एक्स फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल भी ड्रॉ कर देंगे एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ वाई फ्लिप फ्लॉप। मीन्स जो फ्लिप फ्लॉप हमको डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो उसका करेक्टरिस्टिक टेबल हम लोग ड्रॉ कर देंगे, और जिस फ्लिप फ्लॉप से बनाना है ठीक है, जिस फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके बनाना है उसका एक्साइटेशन टेबल हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट वाई फ्लिप फ्लॉप इनपुट यूजिंग एक्साइटेशन टेबल। उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसपे हम लोग ये करेक्टरिस्टिक टेबल को यूज़ करेंगे और एक्साइटेशन टेबल को यूज़ करके एक हम लोग फ्लिप फ्लॉप के इनपुट यानी कि वाई जो इनपुट को यूज़ करके हम लोग एक अनदर इनपुट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेके देखेंगे तब क्लियर होगा ज़्यादा। थर्ड पे क्या करना है, जब ट्रुथ टेबल डिज़ाइन हो जाएगा तब हमको मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को यूजिंग के मैप। ठीक है, के मैप से हम लोग एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब एक्सप्रेशन आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल है, रियलाइजेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, JK फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर रहे हैं, मीन्स ये फ्लिप फ्लॉप मेरा एक्स फ्लिप फ्लॉप हो गया और ये फ्लिप फ्लॉप मेरा क्या हो गया, वाई फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मीन्स SR फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूज़ करेंगे और JK फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, पहला स्टेप, सबसे पहले जिस फ्लिप फ्लॉप को हमको डिज़ाइन करना है उसका करेक्टरिस्टिक टेबल बनाना। तो JK फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करना है, करेक्टरिस्टिक टेबल हम पहले भी बता चुके हैं, तो हम लोग सिंपली सा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक टेबल हम लोग सिंपली डिज़ाइन कर दिया। ये क्या इनपुट है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो इस स्टेट से ये जो मेन होता है ना, इसी से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल भी इसको बोलते हैं, PSNS टेबल। ठीक है, फिर हम क्या बोले थे कि फिर उसके बाद क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल हमको ड्रॉ करना है SR वाई फ्लिप फ्लॉप का। SR फ्लिप फ्लॉप है जो मेरा है, वही मेरा वाई फ्लिप फ्लॉप हम लोग माने। तो हम लोग देखिए यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप का हम लोग एक्साइटेशन टेबल भी ड्रॉ किए। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप का है, SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, 010 डोंट केयर, 010 डोंट केयर। ठीक है, अब हम लोग इसको भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट, फ्लिप फ्लॉप को मीन्स जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे तो उस पर फ्लिप फ्लॉप पर इनपुट क्या देंगे, जिससे मेरा SR फ्लिप फ्लॉप एज अ वर्क करेगा JK फ्लिप फ्लॉप। तो वो इनपुट को फाइंड करने के लिए हम लोग करेक्टरिस्टिक टेबल, इस करेक्टरिस्टिक टेबल और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो सिंपली यहाँ पे स्टेप टू पे लिखा हुआ फ्लिप फ्लॉप इनपुट यूजिंग एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वाई फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो ये मेरा एक्स फ्लिप फ्लॉप था, ये वाई था, अब दोनों को मिला के हम लोग एक टेबल डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमको हम लोग इनपुट लेंगे, सिंपली ये वाला टर्म पूरा हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इनपुट ले लिए जे के, प्रेजेंट स्टेट क्यू एन है, नेक्स्ट स्टेट क्या है, क्यू एन प्लस वन। ठीक है, ये पूरा हम लोग इसको उतार दिए, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब हम लोग एक्साइटेशन टेबल से इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग फ्लिप फ्लॉप इनपुट में हम लोग एस और आर, मीन्स जो एस और आर इनपुट है, इस पर हम लोग क्या कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो जे के फ्लिप फ्लॉप बन जाए। तो सिंपली इसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, मीन्स अब सिंपली आपको क्या करना है इस एक्साइटेशन टेबल से, देखिए हमको फिल करना है, मीन्स अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट अगर ज़ीरो ज़ीरो होगा तो एस आर का वैल्यू क्या है। देखिए जब ज़ीरो ज़ीरो होगा तो इनपुट मेरा ज़ीरो एक्स है, ठीक है, मीन्स क्रॉस। ठीक है, सेकंड देखिए, फिर जब ज़ीरो वन होगा, ज़ीरो वन देखिए मीन, अभी हम लोग वहाँ से नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ देखेंगे, जब वन वन आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो वन वन आया तो क्रॉस ज़ीरो, तो सिंपली क्रॉस ज़ीरो लिख दिए। फिर देखेंगे फिर क्या आ रहा है, फिर से ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है, तो फिर से ये भी ज़ीरो था तो सीधा ज़ीरो क्रॉस लिख दिए। फिर देखेंगे वन ज़ीरो आ रहा है, वन ज़ीरो है तो वन ज़ीरो का क्या होता है, ज़ीरो वन। ठीक है, फिर देखेंगे ज़ीरो वन, ज़ीरो वन देखिए यहाँ पे है तो हम लोग इसको वन ज़ीरो लिख दिए। फिर वन वन आ गया, मिस क्रॉस ज़ीरो। ठीक है, फिर क्या आ गया, ज़ीरो वन आ गया, ज़ीरो वन फिर से आ गया तो वन ज़ीरो। ठीक है, फिर क्या वन ज़ीरो, ये वन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो वन लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिल करने का सिंपल सा तरीका था। आप इन दोनों को यहाँ पहले इन दोनों को देखिए, ये दोनों टर्म मेरा इस पर कहाँ मिल रहा है। ठीक है, इस जहाँ पे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि ज़ीरो ज़ीरो मिला तो हमको इस टर्म को उठा के यहाँ लिख दे रहा है। सिंपली इसी तरह हम लोग पूरा फिल कर देंगे इसका, फ्लिप फ्लॉप इनपुट यूजिंग एक्साइटेशन टेबल फिल करेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट आया, मीन्स जो एस आया ट्रुथ टेबल में, जो एस टर्म आया और आर टर्म आया, इसका हम लोग के मैप के थ्रू इसको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ मेरा है एक्सप्रेशन, कहाँ कहाँ है। एस पे देखिए वन पे है, वन पे डोंट केयर है, फिर फोर पे है, फिर फाइव पे है और सिक्स पे। ठीक है, तो वन फोर फाइव सिक्स यानी कि वन फोर फाइव सिक्स में हमको पुट करना है। ठीक है, वन पे क्रॉस है, ठीक है, डोंट केयर, फिर फोर पे है, फाइव पे भी क्रॉस है, सिक्स पे भी डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग सिर्फ मेरा एक ही पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ करेंगे जो डोंट केयर का कंसेप्ट था ना, उसको यहाँ यूज़ करना है, उसको सिर्फ हम लोग डोंट केयर जब भी यूज़ करते हैं, तो जब एक्स मेरा अगर यूज़फुल नहीं है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स अगर मेरा एक यहाँ से बन रहा है तो हम लोग इसको यूज़ करके फिर से ऐसे ऐसे यूज़ नहीं करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ सिर्फ एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो एक ग्रुप बना दिए, अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन लिख दिए। तो इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, जे यहाँ पे कॉमन क्या है, क्यू एन बार। ठीक है, इसी तरह आर पे मैंने लिखा, पुट कर देंगे वैल्यू और आर का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, आर के क्यू एन। तब हमको यहाँ पे एस का वैल्यू और आर का वैल्यू, मीन्स जो एस आर फ्लिप फ्लॉप जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर एस का वैल्यू अगर जे क्यू एन देंगे तो वो एज ए जे फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, और अगर के आर का वैल्यू के क्यू एन दे देंगे तो एज अ वर्क करने लगेगा जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह। ठीक है, हम लोग इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं। देखिए इसका लॉजिक डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले एक एस आर फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जिसका इनपुट सिंपली एक क्यू एन होगा, एक क्यू एन बार होगा। ठीक है, जिसका एक उसका दो आउटपुट होगा, क्यू एन बार और इनपुट एस दैट इज क्लॉक। हम लोग एक क्लॉक भी ले लिए, इतना सिंपल सा हम लोग का एस आर फ्लिप फ्लॉप था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको बनाना है जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए एक जे इनपुट लेंगे। ठीक है, अब जो मेरा एस था, अगर एस इनपुट पे जे मल्टीप्लाई क्यू एन डाल देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, जे के तरह वर्क करेगा। ठीक है, जे बन जाएगा इनपुट। के लिए क्या करना होगा, आर पे हम लोग के मल्टीप्लाई क्यू एन डालेंगे।
तो के मल्टी, ये के ले लिए मल्टीप्लाई क्यू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्यू एन लिए हैं, यहाँ से कनेक्ट हुआ क्यू एन, ये क्या आ गया के क्यू एन, ठीक है। तो ये मेरा आर इनपुट पे चला गया। एस के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये है, ठीक है, जे क्यू एन पर। तो ये इनपुट मेरा एस पे जा रहा है, जिससे ये मेरा फॉर्म हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सिंपली अगर आपको डायग्राम भी अगर याद होगा, तो हम लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप जो डिज़ाइन किए थे उस पर क्या किए थे, जे जब इनपुट दिए थे तो हम लोग आउटपुट साइड से ही इस पर लिए थे, ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप मीन्स एस आर फ्लिप फ्लॉप से हर डिज़ाइन कुछ भी बन सकता है। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जे के फ्लिप फ्लॉप लीजिएगा और एस आर फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कीजिएगा, देखिएगा वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कोई भी फ्लिप फ्लॉप आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका जो फंक्शन होगा बिल्कुल सेम होगा पहले जो फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।